हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं दिन के अप्रॉक्सीमेट 1:38 हो गया। तो यार आप लोग को पता है कि जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है ना, उसका जो फेमस गेम है वो है आपका फुटबॉल। तो उसी सिलसिले में आज टनकपुर में एक मैच का शुभारंभ होने जा रहा है जो कि आपका फुटबॉल मैच है। तो उत्तराखंड में अभी एक हिमालयन कप टूर्नामेंट होने जा रहा है। जो ये मैच होने वाला है ना, इसके लिए आपका चार जगह जो है, चार प्लेसेस जो है वो डिसाइड करी गई है। फर्स्ट प्लेस है आपका कोटद्वार जो कि आपका गढ़वाल में पड़ता है, और आपका दूसरी आपका रुद्रपुर, तीसरी है टनकपुर जो कि आज यहाँ मैच होने वाला है, और चौथी है वो आपका देहरादून यानी कि हमारे उत्तराखंड स्टेट की कैपिटल। तो हर एक जगह में तीन तीन मैच होने वाले हैं जो कि फिक्स हुए हैं, यानी कि आपका कोटद्वार में तीन मैच होंगे, और फिर उसके बाद रुद्रपुर में तीन मैच होंगे, और आपका टनकपुर में भी तीन मैच होंगे। और जो सेमीफाइनल और आपका फाइनल और जो क्वार्टर फाइनल वो आपका डायरेक्ट देहरादून में होंगे। पहले मैं आपका वीडियो अपलोड करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका टनकपुर स्टेडियम में जहाँ के आपका मैच होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बवाल आज जरूर होगा। आई थिंक हमारे जो गोलूदा हैं वो हमारे साथ आज के इस ब्लॉग में जुड़ेंगे, और हमारे जो फुटबॉलर भैया यानी कि हमारे राहुल भाई हैं वो तो अभी सुबह ही आपका पिथौरागढ़ के लिए निकल गए थे। वीडियो अपलोड भी हो गई है, और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जो आपका टनकपुर स्टेडियम में मैच चल रहा है उसमें हमारे उत्तराखंड यानी कि आउट ऑफ उत्तराखंड से भी जो टीम है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी फिलहाल जो मैच चल रहा है वो आपका हिमाचल प्रदेश वर्सेस सिक्किम का चल रहा है, और जो मैच था वो आपका 2 बजे से स्टार्ट हुआ, और यहाँ वीडियो अपलोड करते करते आपका 2:30 बज गया। और जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ना भाई, ये बहुत एक बड़े लेवल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि अदर स्टेट की टीमें भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो भाई यार फाइनली पहुंच गए आपका स्टेडियम में, और आप लोग पीछे चेक कर सकते हैं, यहाँ अभी आपका जो मैच है वो स्टार्ट हो गए थे पहले ही। तो इसमें जो दो टीम है ना वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हिमाचल प्रदेश और आपका सिक्किम की टीमें खेली है। अब जो सिक्किम वाली टीम है वो आपका ब्लैक कलर की जर्सी पहने हुए, और जो आपका दूसरी वाली टीम है यानी कि हिमाचल प्रदेश की टीम, वो टीम है आपका आसमानी कलर यानी कि स्काई ब्लू कलर की। वहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ अभी दोनों टीमें खेल रही हैं, एक स्काई ब्लू कलर और आपका ब्लैक कलर। और यहाँ पे हमारे सारे बॉल बॉयज हैं वो इधर हैं, और बाय द वे जो हमारे ऑडियंस वगैरह वो वाली साइड पर बैठी हुई है। बढ़िया मार 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 मार, अरे ओए बच गया। मजा आ रहा है मैच देखने में, बढ़िया अच्छा। यार ऑडियंस ज्यादा नहीं आई है क्या, मजा आ रहा है। टिकट है मतलब आदमी खा पी के सो जाता है। हमारे बबलू दा है, और इनको आप जानते हो अमन दा, कौशल दा, और इधर है हमारे राजू दा है, अजू दा, और ये हमारे सचिन भाई। अच्छा ये उत्तराखंड की जो कल मैच होने वाला है उत्तराखंड वर्सेस इसका होने वाला है, जो इन दोनों में से जो जीते, तो कल इसके बाद दूसरा मैच होने वाला है। तो इन दोनों में से जो आज टीम जीतेगी उनका मैच इनके संग होने वाला है उत्तराखंड। अरे आपके बच्चा पार्टी बैठे हुए हैं आपका। वो आर्मी वो आर्मी वो यो हम वो मैच का यहाँ पे को पहला हाफ कंप्लीट होता हुआ, यहाँ पे को जो मैच चल रहा है ना उसका आपका लाइव प्रसारण चल रहा है याली साइड से, जैसा कि आप लोग के सामने देख सकते हैं। पैरलर स्पोर्ट्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप लोग जाके लाइव देख सकते हैं इस मैच को। कल से दो जो मैच है वो लाइव होंगे। अभी यहाँ पे को जो हिमाचल प्रदेश वाली टीम है उनको एक कॉर्नर किक मिली है।
एल्वार यार। वैसे अक्सर आप लोगों ने फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों को येलो कार्ड या रेड कार्ड मिलते हुए देखा होगा, बट अभी याले मैच में क्या हुआ कि जो हमारे कोच साहब थे हिमाचल प्रदेश से, उनको भी आपका येलो कार्ड दिया गया है। दोनों का मैच जो था वो टक्कर का चला था, बट अभी हाफ टाइम के बाद थोड़ा मैच चला 15-20 मिनट, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश की टीम है उनके एक खिलाड़ी ने आपका गोल मार दिया। बॉल है, बॉल है, सिक्किम के पास बॉल है। ओ बढ़िया, तो अभी जो आपका हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी वो आपका इंजर्ड हो गए। ओ बढ़िया, तो जो सिक्किम के 5 नंबर खिलाड़ी हैं जो जा रहे हैं इनको आपका रेड कार्ड मिला है। ओ बच गया, काफी भयंकर बॉल हो रही है, काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन बॉल झूठी है खिलाड़ी के हाथ से। सिक्किम के खिलाड़ी के पास बॉल और ये शानदार लड़क है बॉल दूसरे खिलाड़ी का, और ये काफी टाइम बिता रहे हैं और ये दूसरी बॉल। और ये गोल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे काफी बचाव किया। ये हमारे गिरदा यहाँ पे वो कमेंट्री करते हुए मैच की, ये भी आपका ब्लॉगर है, इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई एम पवन करके है इनका चैनल। तो यार यहाँ पे वो मैच के लास्ट 5 मिनट बचे हैं और अब देखते हैं कि आपका सिक्किम की जो टीम है वो गोल कर पाती है और कम बैक कर पाती है या नहीं। यहाँ पे को जो सिक्किम की टीम है उन्हें एक कॉर्नर मिला है, लास्ट चांस है, देखते हैं क्या हो पाता है। और बच गया, मार भाई मार मार, वो फाइनली जो आपका हिमालयन कप टूर्नामेंट चल रहा था जो पहला मैच था आज का हिमाचल प्रदेश वर्सेस सिक्किम, तो जो हिमाचल प्रदेश की टीम है वो पहला मुकाबला जीत चुकी है। अब इन दोनों में से जो टीम जीती, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो टीम जीती है उसका जो कल होगा मैच वो होगा आपका उत्तराखंड एफसी के संग। भाई मैच एक तरफ और भाई साहब जो इनके वो थे ना कोच साहब उनका चलाना एक तरफ, और आज के जो हमारे रेफरी थे और लाइनमैन वो हैं, और ये तो हमारे यहीं से थे पार्टनर। मैंने आप लोगों को बताया जो आज टीम जीती थी हिमाचल प्रदेश उसका मैच होगा आपका उत्तराखंड एफसी के साथ। तो आज का वीडियो तो बस इतना ही था, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ऑलवेज की तरह करते रहिए, और अगर चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मिलते हैं जल्दी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड स्टे कनेक्टेड विद मी रच। गुरुद्वार रुद्रपुर और आपका टनकपुर 3 दिन कंटिन्यू यहाँ मैच होने वाले हैं, जैसे आज यहाँ मैच हो वैसे ही एक आपका रुद्रपुर में मैच होने वाला और उसके बाद जो तीसरा है आपका कोटद्वार में, तो इस तरह से मैच चलने वाले हैं। तो ये हमारे कुछ ग्राउंड में छोटे बच्चा पार्टी मिली थी जो कि हमारा व्लॉग देखते हैं, ये गोलदा है हमारे सिखाते कैसे होता बढ़िया। स्टेडियम में जब भी हम बचपन से आते थे तो ऑलवेज हमारा सपोर्ट रहता था, मतलब जो ये दाएं इनका हमेशा, हाँ हमेशा हेल्प भी करते थे बिल्कुल।